सेफ सिटी टीम ने चेरिंग क्रॉस पर कैमरों का मुआयना मुकम्मल कर लिया। टीम से हमारे रिपोर्टर जुबैर साजिद ढिल्लू ने कैमरों की हालत के बारे में सवाल किया तो टीम जान छुड़ाकर बगैर मौकफ दिए चली गई। सेफ सिटी की टीम ने कैसे जान छुड़ाई, जानते अपने रिपोर्टर जुबैर साजिद से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो चेरिंग क्रॉस माल रोड पर कैमरे चेक करने आए थे, टेक्निकल टीम थी सेफ सिटी प्रोजेक्ट से, इनसे बात करते हैं। ये साहब अपना इक्विपमेंट उतार रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप बताइएगा क्या फाइंडिंग्स आई हैं, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं मुझे आप? जी सर आप सर। थोड़ा फाइंड बता देंगे आप सर, फाइंडिंग कर सकते हैं सर, सॉरी थोड़ा सा बता सकते हैं? सॉरी सर बता सकते हैं थोड़ा सा क्या फाइंडिंग्स आई हैं? सॉरी सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट से क्या फाइंडिंग आई हैं बता सकते हैं थोड़ा सा? सर आप जी आपके सामने ये जो है ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट की टेक्निकली टीम्स थी जो कि बगैर शॉट दिए बगैर मौकफ दिए चली गई है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। जब इससे पहले हमारी इनसे बात हुई तो इनका कहना था कि कैमरे जो हैं वो चल रहे हैं, एक ने कहा नहीं चल रहे हैं, कन्फ्यूजन स्टेटमेंट्स आ रही थी। वो हमारे पास शॉट मौजूद है तो उसके बाद ये टेक्निकली टीम्स आई, इन्होंने टावर पर लगे कैमरों की मुआयना किया, अपना जो इनका टेक्निकली सिस्टम है वो सारा किया। उसके बाद हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने सॉरी सर कह के गाड़ी भगा दी। इसका मतलब ये मौकफ़ देना नहीं चाह रहे। अब हकाइक क्या हैं ये जो है वो इसका फैसला जो है वो हुकामे वाला ही करेंगे कि क्या ये कैमरे। बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद, आपने इंतहाई अहम नुक्ते की निशानदही की है सारी सूरत हाल पर। अब देखना यह कि सेफ सिटी प्रोग्राम की जो इस वक्त है अब वो किस स्टेज पर है और तमाम बकिया कैमरों को किस तरह से ठीक किया जाए।